क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका। 9 दिया हुआ है, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2l आयोटा इक्वल टू। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई देते हैं माइनस आयोटा से, मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आयोटा एक्स और यहाँ पे माइनस 2l आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू माइनस होते प्लस का हो जाएगा, प्लस का आयोटा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का ना होना चाहिए था, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, नहीं प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो गया, ठीक तो था। अच्छा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस बनते हैं, प्लस का 2l आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर इस बीच वाले को तोड़ते हैं हम लोग, 4 आयोटा एक्स और माइनस का 3 आयोटा एक्स ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इन दोनों में से कॉमन है आपका x, तो x प्लस का 4 आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का 3 आयोटा कॉमन करेंगे, तो x बचेगा और यहाँ पे प्लस में 4 आयोटा बच जाएगा। आप कहोगे कि सर यहाँ तो 12 था, ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर होगा ना, तो माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर यानी प्लस का 12 हो जाएगा, बात को समझे ना जी। आप 12 को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 3 आयोटा और इंटू में आपका 4 आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन हो जाएगा x प्लस का 4 आयोटा, तो यहाँ बच जाएगा आपका x और माइनस का 3 आयोटा इक्वल टू 0। अलग अलग यहाँ से कर लेते हैं, x प्लस का 4 आयोटा इक्वल टू 0, ये फैक्टर से ही बन जा रहा, और x माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4 आयोटा और x का वैल्यू आ जाएगा 3 आयोटा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है।